वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आपको पता ही कि आपके लिए ITI से रिलेटेड पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आ चुका हूं, तो कुछ वीडियोस के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वो वीडियोस वहां से जाकर देख लेना। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें ये बता दीजिए, ये जो ITI होता है इसमें ये NCVT और SCVT क्या चीज़ है, आप हमें इसमें डिफरेंस बता दीजिए कि ये होता क्या चीज़ है और इसमें से कौन सा बेटर है, किसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिल सकता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप ITI कर रहे हैं ना या फिर ITI करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, तो बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स की ओर। लेकिन सबसे पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें ये बता दीजिए कि अप्रेंटिस होता क्या है। भाई, अप्रेंटिस के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, या तो आप YouTube पे सर्च करना व्हाट इज़ अप्रेंटिस, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये होती क्या चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं आपको ITI की फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI की फुल फॉर्म होती है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है ITI विकीपीडिया लिख देना गूगल पर, आपको जो है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चलते हैं अपने प्योर एजेंडे की ओर, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो भाई, यहाँ पर आपको पता ही कि SCVT और NCVT दो तरीके के आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक तो SCVT वालों की तरफ से मिलता है, एक NCVT वालों की तरफ से मिलता है। अब यह होती क्या चीज़ है, पहले मैं आपको NCVT के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको SCVT के बारे में बताऊंगा। तो भाई, NCVT एक नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो आपका नेशनल लेवल या फिर कह सकते हैं हम सेंट्रल लेवल पर आपकी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं ITI से रिलेटेड, उन्हें जो है ये हैंडल करता है, जितनी भी ट्रेड्स होती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के अंडर आती है, जो कंडक्ट करता है पूरी तरीके से। तो ये 1956 में जो है स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर SCVT आया। SCVT जो है एक, आप ये समझे कि NCVT का ही पार्ट है। SCVT होता क्या चीज़ है, SCVT हर स्टेट का एक अलग अलग SCVT बनाया हुआ है। SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका हर स्टेट में आपको एक ITI मिल जाएगा, उसमें आपको जाकर देखना पड़ेगा कि हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो SCVT की तरफ से मिलेगा या NCVT की तरफ से मिलेगा। अब आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि इन दोनों में से बेटर कौन है। तो भाई, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ITI करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास NCVT वाला ऑप्शन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उस स्टूडेंट से पूछिए जिसने वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी कोर्सेज कर रखे हैं, उसको जो सर्टिफिकेट मिला है वो NCVT की तरफ से मिला है या SCVT की तरफ से मिला है। क्योंकि यार, जब अप्रेंटिसशिप निकलती है ना तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है वो NCVT की ही रहती है, SCVT की नहीं रहती। तो SCVT एक स्टेट लेवल का है और NCVT एक जो है आपका सेंट्रल लेवल का है। तो NCVT जो है सेमेस्टर वाइज कर दिया है, SCVT अभी सेमेस्टर वाइज नहीं किया है। तो आपको अगर NCVT में जाना है तो आपको सेमेस्टर का सामना करना पड़ेगा, और SCVT में आपका जो है ईयरली बेसिस पे चलता है। क्या पता कुछ इंस्टीट्यूट में अभी भी SCVT हो गया हो। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रेड्स बता देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रेड्स अवेलेबल है, जिसमें जो बेस्ट ट्रेड्स है वो आपको बताया था। तो सबसे पहले कोपा, मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगा कोपा, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। कोपा करने के बाद आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से भी रिलेटेड कोर्सेज कर लेने चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आप जो है यहाँ पर वेल्डर, प्लम्बर में से इन दोनों के कोर्सेज कर लीजिए। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि इलेक्ट्रिशियन और फिटर। लेकिन अगर आपको कोपा पे कहीं पे भी एडमिशन मिलता है, चाहे वो SCVT हो या फिर NCVT, तो आप ले लीजिए, उसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोपा पे जो है अप्रेंटिसशिप थोड़ी कम निकलती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी में आपको जाना है तो आप जो है कोपा का कोर्स कर लीजिए। उसके बाद बस यही मेरे सामने है जो मैंने जो है यहाँ पर आपको बताया। इसके अलावा अगर आप स्पेशली किसी ट्रेड्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली जो है अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैंने वैसे अभी यहाँ पर सारी ट्रेड्स जो है आपको बताई नहीं है, यही ट्रेड्स बताई है मैंने आपको, सारी नहीं बताई, एक एग्जाम्पल के तौर पर बस बता दी है जो बेटर है। उसके अलावा आप जो है देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है ITI से रिलेटेड, या फिर मुझे आप बोलना चाहते हैं कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी लेकर आ जाऊँगा। लेकिन अगर आप मैंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक तो ही, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता रहता कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो वो आपको मेंशन करना है। और अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो प्लीज़ यार ITI वाले कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरीके की वीडियोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।